इस नए सवाल जवाब एपिसोड की शुरुआत करने से पहले, जो अभी लास्ट में सवाल जवाब एपिसोड था, एपिसोड नंबर 14, उसमें मैंने एक सवाल का जवाब दिया था कि मरे से मरा जो आदमी है उसे 1 घंटा टिकना चाहिए। तो ये जवाब सुनते ही लोगों की ना हवाइयां उड़ गई थी, हाथ पैर फूल गए थे कि रिया मैम आप क्या कह रहे हो। मतलब कमेंट पे कमेंट लोगों ने लाइन लगा दी थी कि मैम आपसे कहीं गलती तो नहीं हो गई है, मजाक तो नहीं कर रहे आप। तो देखो ना तो मुझसे कोई गलती हुई थी और ना ही मैं मजाक कर रही थी। आप खुद सोचिए ना, एक तरफ तो मैं मरे से मरा आदमी बोल रही हूँ और दूसरा उसे 1 घंटा इन आउट का गेम खेलने के लिए, मतलब उसे बस इन आउट करने के लिए अंदर बाहर कैसे बोल सकती हूँ। वो तो वही प्राण त्याग देगा। तो मेरा वहां पर बोलने का मतलब ये था कि फुल सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि फोर प्ले से लेके दी एंड तब तक पूरा प्रोसेस कम से कम वो 1 घंटा टिकना चाहिए। हर आदमी सेक्स मैराथन प्रोडक्ट नहीं बना है और करने वाले देखो करते भी हैं, ऐसा नहीं है। कैसे करते हैं? टेक्निक का यूज करके, स्टॉप एंड डू टेक्निक्स। लोग लगे रहते हैं घंटों करते रहते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन यहां पर मेरा जो कहने का मतलब था वो पूरा 1 घंटा फुल प्रोसेस। अब नए सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। किसी ने सवाल किया है कि मैम क्या ना मैन ड्रिंक पीरियड ब्लड ऑफ यंग ब्यूटीफुल हेल्दी वुमेन, व्हाट आर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। किसी औरत का पीरियड ब्लड पीना ये एक सेक्सुअल एक्ट होता है जिसे रेनबो किस कहते हैं, जिसमें कोई जो मेल होता है, कोई आदमी होता है, वो जब किसी फीमेल को पीरियड हो रहे होते हैं तब उसको उसकी वजाइना में लिक करता है, चाटता है और जो पीरियड ब्लड होता है वो उसके मुंह में चला जाता है। इसे एक रेनबो किस भी कहा जाता है। देखिए ये हाइजीनिक नहीं होता। अब आप क्योंकि बोल रहे हैं कि हेल्दी वुमेन मीन्स व्हाट, कि वो कितनी हेल्दी है शारीरिक रूप से, फिजिकली कितनी फिट है। तो देखो वो चाहे फिजिकली जितनी मर्जी हेल्दी हो, उसका जो पीरियड ब्लड है वो कभी हेल्दी नहीं होता। अगर वो स्वस्थ ब्लड होता, हेल्दी होता, तो नसों में बहता रहता ना, बॉडी उसे हर महीने निकालकर बाहर क्यों फेंकती। जिसे खुद शरीर अपने अंदर रखना नहीं चाहता उस गंदे ब्लड को, उसे आप पीना चाहते हैं। तो ये आपकी फैंटेसी है, कचरा खाना चाहते हो तो खा लो, इट्स अ कॉमन सेंस डियर। कहां देख लिया, कहां पढ़ लिया, किसी पोर्न मूवी में देख लिया, आज के बाद मत देखना, कुछ भी दिखाते हैं वो लोग। अब दूसरा सवाल, मैम प्लीज बताइए मेरी जो वाइफ है वो 22 साल की है, उसको सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्या करूं। 22 साल की है और सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, झूठ बोल रही है, ऐसा हो नहीं सकता। वजह तलाशो, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी, वो आपको पसंद भी करती है या नहीं, कहीं उसका कोई ऑलरेडी किसी से उसका रिलेशनशिप तो नहीं था, उसका मन ना ठुकरा हो आपके साथ, मन ना लगता हो, कंपैटिबिलिटी मैच ना कर पा रही हो, पुरानी यादों में खोती रही हो। और अगर ये वजह नहीं है तो हो सकता है कोई फिजिकल इश्यू हो, कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो, इसकी वजह से भी यौन इच्छा जो होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन वजह आपको ही तलाशनी पड़ेगी कि आखिर रीजन क्या है। रीजन तलाशो, उसके ऊपर फिर काम करना शुरू करो। अब अगला सवाल, मैम कोई कॉल गर्ल सच्ची है या झूठी है कैसे पता करें? पता करके आपको करना क्या है? शादी वादी करनी है, उसे रिश्ता लेके जाना है उसके घर? नहीं ना। देखो मैं ये सवाल का जवाब इसलिए इस तरह से दे रही हूँ क्योंकि मुझे आपके सवाल का सेंस समझ नहीं आ रहा। आप पता क्यों करना चाहते हैं? वो चाहे सच्ची है या झूठी है, वो जिस काम के लिए है, आपने उसे जिस पर्पज से बुलाया है, वो काम करो, पैसे पे करो और निकलो। क्योंकि देखो किसी इंसान की जांच पड़ताल तो तभी की जाती है जब इंसान उसके लिए सीरियस होता है। तो अगर आपके साथ वो चीज नहीं है फिर क्या फर्क पड़ता है वो सच्ची है झूठी है। अगर वो आपको कॉल गर्ल बोल कर मिल रही है तो मतलब डू योर वर्क। अब किसी ने सवाल किया और जो सवाल करने वाली है वो कोई लड़की है, क्या न्यू हेयर, वन थिंग टू आस्क, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के एक फ्रेंड के साथ इंटीमेट होने का मन करता है और वो भी मुझे बहुत लाइक करता है, कैन आई गो फॉर इट? क्या मुझे अपने बॉयफ्रेंड को कन्विंस करना चाहिए इस चीज के लिए या फिर एक को गिव अप कर देना चाहिए? बट आई लव बोथ एज अ फ्रेंड, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। बहुत सिंपल है, अगर आप अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप ही मेंटेन कर रही हो, उसे लेके कोई सीरियस नहीं हो, तो आप उसकी कोई जागीर थोड़ी ना हो। फिर तो आप किसी दूसरे के साथ भी फिजिकली इंटीमेट हो सकती हो जस्ट फॉर चेंज, फॉर फन। लेकिन अगर आप
सीरियस हो अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के साथ और वो भी आपके साथ सीरियस है, फिर तो ये ईमानदारी नहीं हुई ना, फिर तो ये गलत हुआ। तो ऐसे में आपको किसी एक को गिवअप करना चाहिए, और गिवअप करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि जिसके लिए आप अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को गिवअप कर रही हो वो आपके साथ उतना ही इंटरेस्टेड है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। ये चीज देख लेना, कभी आपको आगे जाके पछतावा ना हो। मैम आप लाइव क्यों नहीं आते? चलो मैं आज आपको इसका जवाब दे ही देती हूँ। जिस दिन मैं लाइव आ गई ना, आप खुद वीडियोस बंद कर दोगे, क्योंकि मेरी होममेड वीडियो होती है और मेरे घर में बहुत शोर होता है। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा घर है, आजू बाजू आने वाले जाने वाले इतना शोर मचाते हैं कि जैसे मैंने कुछ बोलना शुरू किया तो सब्जी ले लो, कुत्ते भौंकने शुरू हो जाते हैं, वहां गाने बज रहे हैं, ये हो रहा है, इतना डिस्टर्बेंस होता है। इसीलिए तो मेरी वीडियोस में इतने कट लगते हैं, वरना मैं इतनी फ्लुएंट स्पीकर हूं कि अगर मैं बोलने पे आऊं तो पूरा 10 मिनट का वीडियो बोलने के बाद ही मेरा कट लगे। कोई स्टूडियो नहीं है मेरा जहां मैं बैठकर वीडियो बना सकूं, एकदम साइलेंट, इसलिए नहीं आ पाती हूं। अगला सवाल, हाउ टू इंक्रीज पीनस साइज नेचुरली एंड हेल्दी। किसी भी साइज के पीनस को हेल्दी तो किया जा सकता है नेचुरली, लेकिन किसी भी साइज के पीनस को खींच तान के लंबा नहीं किया जा सकता नेचुरली। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनका जाके मेजरमेंट करो, इंची टप लेके जाओ, नापो और बोलो 15 दिन बाद दोबारा आऊंगा, इससे लंबा मिलना चाहिए, करो ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम मेरा जो साइज है वो 4-5 इंच है और मेरी वाइफ को बड़ा चाहिए, हम दोनों बैंगलोर में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा पसंद करती है सेक्स को और वो बाहर के मर्दों को बहुत ज्यादा पसंद करती है, मैं क्या करूं, प्लीज रिप्लाई। आप तो डियर ऑलरेडी एक्सेप्टेंस मोड में हो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? इस सवाल का जवाब आप बेहतर जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, बस मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं अपने मन की बात। तो जो आप जानते हैं और जो आपको समझ में आ रहा है वो कीजिए। अब नेक्स्ट सवाल किसी ने किया है कि मैम मेरी एज 50 की है और मेरी सेक्स की इच्छा खत्म नहीं होती, मैं क्या करूं? तो सेक्स करो, सेक्स करने की चीज है, ऊपर वाले का कर्म है आपके ऊपर। लेकिन अगर आपका मन हट चुका है, आपको अंदर से इच्छा होती है लेकिन मन नहीं करता करने का, तो बात एक अलग है। तो आप अपनी लिबिडो पे काम करो, अपनी यौन इच्छा को कम करने की कोशिश करो। इसके ऊपर मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी कि अपनी यौन इच्छा को कैसे कम करें। मैम अगर वाइफ सेक्स ना करे तो सेल्फ मैस्टर्बेशन करना ठीक है? ठीक तो है, लेकिन कब तक? आखिर आप शादीशुदा हैं, एक ही बिस्तर पर जो दो शरीर पड़े हुए रहते हैं और आप मैस्टर्बेट करके अपने मन को शांत कर रहे हैं, एक बार कर लोगे, दो बार कर लोगे, कब तक कर पाओगे, आखिर कब तक? आगे देखो, आप खुद समझदार हैं। अब अगला सवाल, मैम मेरी भाभी ने मेरा कुछ दिन पहले कान खींचा और तभी मेरा जो है इरेक्शन हो गया, प्लीज मुझे बताइए इरेक्शन क्यों हुआ, मेरी तो एज अभी सिर्फ 21 साल है। आपकी ये जो उम्र है यही तो कहर ढा रही है आपके ऊपर। अब आपकी भाभी ने तो प्यार से ही आपका कान खींचा, लेकिन अगर उनकी बजाय कोई और भाभी हो जिसके इरादे भी ठीक ना हो, आपके इधर उधर हाथ लगा दे, तो आपका चाचू तो इमीडिएट तैयार हो जाएगा। तो खुद को संभालो, अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, ये जवानी का जोश है, भाभी है आखिर वो आपकी, भाभी लवर मत बन जाना। मैम अगर अल्फा मेल सेक्स में वीक हो तो उसके डोमिनेंट होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ये तो है कि अगर कोई अल्फा मेल है और वो डोमिनेंट है तो उसके डोमिनेंट होने का क्या फायदा अगर वो परफॉर्मर नहीं है, लेकिन ऐसे चांसेस कम ही होते हैं। ये तभी होता है जब कोई फिजिकली किसी को बीमारी हो जाए, कोई ऐसी बीमारी लग जाए, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि अगर वो अल्फा मेल है तो उसे कोई बीमारी नहीं लग सकती। ओह शिट डियर, लाइट चली गई है क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जो खंभा है ना उसमें कुछ दिक्कत हो गई है बिजली के खंभे में, तो वो लोग आएंगे और ठीक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले, तभी जाके कुछ होगा। तो इस वीडियो को मुझे यहीं पे ही बंद करना पड़ रहा है और काफी सारे सवाल रह गए हैं जिनके मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो सवाल जवाब का वेट कीजिए, मैं उसमें बाकी के सवालों के जवाब दूंगी। तो विघ्न तो पड़ ही चुका है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।